गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशंस का मॉड्यूल 7 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आप लोग पेपर में आसानी से पास कर सकें। अभी तक जो भी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी बच्चे पेपर जिनका होने वाला है, वो सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके, प्रश्नों को देख करके अपने पेपर में आसानी से पास हो सकें, कंप्यूटर बेस्ड पेपर में आसानी से पास हो सकें। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है दिया। कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आंसर हम सीधा बताएंगे बच्चों आप लोगों को, जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, धारा की इकाई क्या है? तो बच्चों धारा की इकाई होता है एम्पियर, और वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट, विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस की इकाई होती ओम, ठीक ना, और जो विद्युत शक्ति है उसकी इकाई होता है वाट। तो धारा की इकाई क्या है बच्चों, एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है बच्चों, ओम, क्या है ओम। नेक्स्ट देखिए, या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो धारा होता है बच्चों, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यह पदार्थ के कौन से गुण के कारण यह वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक ना। तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की वजह से विद्युत के प्रवाह को विरोध करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो कापर जो होता है बच्चों, कापर सबसे अच्छा, इस दिए गए जो दिए गए हैं ये ऑप्शंस, इसमें जो कापर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। और अगर ऑप्शन में चांदी दिया गया हो बच्चों, तो चांदी का जो चांदी जो होता है वो तांबा से भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन सा खनिज इंसुलेटर है, इसमें से कौन सा खनिज आपका इंसुलेटर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा होगा, सी, कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट देखिए, यह यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम को 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर सीरीज में प्रतिरोध जुड़ते हैं तो बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 17 ओम, कितना हो जाएगा, 17 ओम। आठवें का आंसर कौन होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर में जोड़ने पर बच्चों 1/4 प्लस 1/6 बराबर आंसर देखेंगे तो कितना आएगा, 2.4। निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं कितना आएगा, 2.4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10 का क्या है देखिए, यह यदि 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध अभी हमने बताया, समांतर का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, आप लोग जोड़ के निकालेंगे 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, तो आंसर देखिए कितना आएगा, 24/13, कितना आएगा, 24/13, आप लोग निकाल के
चेक कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर 11 आपका देखिए क्या कह रहा है, सर्किट में प्रतिरोधों के श्रृंखला कनेक्शंस में कौन सा समान है। सर्किट में श्रृंखला कनेक्शन में कौन सा समान है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा होगा बच्चों, ए धारा। क्या धारा जो होता है वो समान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर एक बंद सर्किट में गुजरने वाली धारा संभावित अंतर के सीधे आनुपातिक और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम, 12 का कौन सा आंसर होगा, ए। ठीक ना, ओम का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है देखिए, दिया कि प्रतिरोध क्या होगा यदि I इक्वल टू 11.5 और V इक्वल टू 380 वोल्ट्स। तो बच्चों I इक्वल टू हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, ओम का नियम जो है वो क्या कहता है, I इक्वल टू V अपान R। आप इस फार्मूले से मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 33 ओम। कितना आएगा, 33 ओम। निकाल के आप चेक कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ धारा का मान क्या होगा, यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, R इक्वल टू 50 ओम है, V इक्वल टू 220 वोल्ट है। हमने आप लोगों को फार्मूला बता दिया कि ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.4। कितना होगा आंसर, 4.4 एम्पियर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। रेजिस्टेंस का मान है 250 ओम और धारा का मान I इक्वल टू 0.44 एम्पियर। तो कितना आएगा, 110 वोल्ट। उसी फार्मूले से आप तीनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं, I इक्वल टू V अपान R के फार्मूले से तीनों प्रश्नों को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो हमने अभी बताया I इक्वल टू V अपान R, तो I जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, V अपान R के। कौन सा होगा आंसर, C। कौन सा होगा, C। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, यदि 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है तो फिलामेंट में प्रतिरोध क्या होगा, 12 ओम। कितना होगा बच्चों, 12 ओम, क्योंकि I इक्वल टू V अपान R। फार्मूले से आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं, 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो होगा वो होगा 12 ओम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होंगे, 3600 वाट सेकंड होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है बच्चों। तो 1 वाट घंटे में कितना वाट सेकंड होगा, 3600 वाट सेकंड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या यदि 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। बच्चों 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है तो उसकी शक्ति होगी 1 वाट। कितना होगा, 1 वाट। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आप लोग देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर दिया है, यदि 1 इलेक्ट्रिक हीटर 200 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा खींचता है तो यह कितनी बिजली की खपत करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 2000 वाट। कितना होगा, 2000 वाट। हम जब भी थ्योरी की क्लासेस पढ़ाएंगे बच्चों, थ्योरी की जब वीडियो आप लोग देखेंगे तो हर सवाल जो इस तरह के हैं हम हल कराएंगे और आप लोगों को पूरे फार्मूला बताएंगे कि कैसे ये प्रश्नों को हल किया गया है। लेकिन अभी आप लोग पेपर की, जिनका पेपर है वो तैयारी करें और आंसर को देखते जाएं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 विद्युत आयरन का प्रतिरोध क्या है यदि विद्युत आयरन की रेटिंग 220 वोल्टेज और 500 वाट है। ठीक, तो आंसर कितना होगा बच्चों, सी, 96.8 वाट। कितना आएगा, 96.8 वाट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर
22 क्वेश्चन नंबर 22, क्रा इमर्सन हीटर का वोल्टेज कितना होगा? ये जो इमर्सन मीटर है जहाँ पे P इक्वल टू 500 वाट्स है और I इक्वल टू 2.27 एम्पियर है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? आंसर कितना होगा बच्चों इसका? C, 22 का क्या होगा? 220.3 वोल्ट। कितना होगा? 220.3 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की इकाई होता है वेबर प्रति मीटर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कौन सा कानून बताता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कौन सा कानून बताता है? विच लॉ स्टेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फैराडे का नियम। कौन सा नियम बच्चों? फैराडे का नियम बताता है, ठीक ना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में फैराडे का नियम बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है? प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है? तो इसका होता है बीएलवी साइन बोल्ट्स। क्या होगा? बीएलवी साइन बोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दिया, ईएमएफ का क्या अर्थ है? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आंसर बी। 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 करा कि स्टैटिकली प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? स्टैटिकली प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है बच्चों? ट्रांसफार्मर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया आपका। 28 देखिए क्या कह रहा है कि गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? गतिशील रूप में बच्चों जनरेटर। स्टैटिकली मतलब स्थिर जो होता है वो आपका ट्रांसफार्मर, और जो गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ है वो कौन सा? जनरेटर। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? तो विद्युत शक्ति इकाई कौन सा होता है? वाट्स। अभी हमने आप लोगों को बताया कि विद्युत शक्ति की इकाई कौन सा होता है? वाट्स होता है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? पी इक्वल टू 550 वाट्स, आर इक्वल टू 22 ओम, तो बल्ब में करंट फ्लो क्या होगा? बल्ब में करंट फ्लो क्या होगा? तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 5 एम्पीयर। आप लोग फार्मूले से निकालेंगे तो निकाल, जब हम बताएंगे आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस में कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक ना? आंसर कौन सा होगा 30 का? डी, 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है? यदि I इक्वल टू 0.455 एम्पियर, R इक्वल टू 484 ओम, तो शक्ति की आवश्यकता है, कितनी शक्ति होगी? यहाँ पे शक्ति को फाइंड करना है, ठीक ना? तो आंसर कितना होगा बच्चों? आई स्क्वायर आर के फार्मूले से इसको निकाला जा सकता है। तो फार्मूला क्या होता है शक्ति का? आई स्क्वायर आर होता है। तो आप लोग निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 31 का? 100.2 वाट्स। कौन सा होगा? सी। 31 का कौन सा आंसर होगा? सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? करा रेटेड शक्ति क्या है यदि एक एडजस्टेबल प्रतिरोध निम्नलिखित लेबल 1.5 के ओम 0.8 ए एम्पियर का है? रेटेड शक्ति फाइंड करना है बच्चों आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी, आंसर क्या होगा? 9.6 वाट। कितना होगा? 9.6 वाट। तो 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 0.10 एम्पियर की धारा खींचने वाले 40 वाट के फ्लोरोसेंट लैंप को रोशन करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी? 33 का आंसर क्या होगा बच्चों? 400 वोल्ट। कितना होगा? 400 वोल्ट की आवश्यकता होगी। तो आंसर कितना हो गया? 400 वोल्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 100 वाट का एक बल्ब 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत में कितने घंटे समय लेगा? ठीक है, 100 वाट का
एक बल्ब 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत में कितने घंटे का समय लेगा? तो 34 का आंसर कितना होगा बच्चों? 10 घंटे का। कितना लेगा? 10 घंटे का समय लेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? ए, आंसर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति किसके बराबर है? फार्मूला इसमें, मतलब विद्युत शक्ति, व्हाट विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति किसके बराबर है? तो आई स्क्वायर आर के। कौन सा आंसर होगा बच्चों? बी। कौन सा? बी, आई स्क्वायर आर के बराबर विद्युत शक्ति होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हम उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप लोग वहाँ से पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं।